चिपेट लिया थोड़ा इसमें दर्द है और कमजोरी जोड़ों में दर्द है ज्यादा। तो मैंने 14 बटालियन सीआरपीएफ शोपियां और 178 बटालियन रैसीपुरा के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ एक मेडिकल कैंप जो लगाया गया है, और ये मेडिकल कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की जो जनता है, जो सुख सुविधा है, जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, उनको ये कैंप के माध्यम से मुफ्त डॉक्टर की जो सहायता वो प्रोवाइड करना है और साथ में मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ऐसे बुजुर्ग बच्चे और लेडीज़ जिनके पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है और यहाँ के लोगों को सेहतमंद रख के यहाँ का जो विकास हो रहा है उसमें उनका योगदान देना है, यही मुख्य उद्देश्य है। और ये जो कैंप है संयुक्त रूप से जो 114 और 178 बटालियन लगाया है, पहले भी ऐसे कैंप हुए हैं और दोबारा आने वाले समय में भी हम लोग पूरे शोपियाँ के अंदर संयुक्त रूप से ऐसे कैंप लगाते रहेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। और जो एक गैप रहता है हमारे बीच में सीआरपी के और पब्लिक के बीच में, उसको कम करना है और लोगों को एक टीम वर्क के नाते जहाँ के विकास को आगे बढ़ाना है और देश की सेवा करनी है। और जहाँ के खास करके जो यूथ है उनको भी इस प्रोग्राम में हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है ताकि जहाँ के अच्छे नागरिक बन सकें और जहाँ सेवा कर सकें और शांति का माहौल बना। सर, यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अभी आने वाले समय में यहाँ के विकास में, यहाँ के एजुकेशन में, यहाँ के स्पोर्ट्स में ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करें हो और देश की सेवा के लिए आगे आए और अच्छे नागरिक बने। आफ्ताब अहमद मैं भारतीपुरा से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे गांव में सीआरपीएफ के तरफ से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप के इनकार किया गया है, जिसका मकसद है कि बीमार जो बीमार होते हैं यहाँ पे हमारे गांव में, यहाँ पे मुफ्त दवाई मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं और बहुत से हम सारे लोगों को गुजारिश करते हैं कि आप आइए यहाँ और मुफ्त दवाई ले जाए। आपको जी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। आगे भी ये कैंप होने चाहिए बहुत सारे गाँव में, हर किसी गाँव में होनी चाहिए। सर, बहुत सारे लोग, आप देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे इस कैंप में, बहुत सारे लोग आ रहे हैं।